होटल से, आप होटल से माल लेंगे। तो ना इसमें जो अवरोधक स्लिप पड़े हुए हैं उसको क्या तोड़ा जाएगा? सारा टूट के दोबारा से बनेगा, जगह जगह स्लैब बनेंगे जो रिमूवेबल होंगे, जैसे कि नाला कभी बनता है तो वो रिमूवेबल स्लैब जो है हट के फिर समाज होते हैं। तो मान लिया जाए कि आपकी जलभराव नहीं होना चाहिए? हाँ, थोड़ा टाइम तो आपके ये नाला चौकले तक बनेगा, फिर वो टैक्सी स्टैंड से जो नाला से सब लोगों ने पार्ट रखा है वो जब नाला खुल जाएगा तो फिर जल भराव जो है उसमें कमी है। तो पहले था और करीब सर 1975 में हमारे भाई साहब मोहल्ले के जो चेयरमैन थे श्री शुगर किए वीर बहादुर सक्सेना जी, उनके टाइम में तभी झाड़ उगा था ये नाला। तब से लेके आज तक इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ था? नहीं, फेरबदल नहीं, मशीनों के माध्यम से होता रहा है, मगर वो ऐसा नहीं हुआ जैसे 1975 में हुआ था। अच्छा, मतलब 1975 को दोहराया 1918 में, 2018 में? नहीं, ये तो टूट के बन रहा है सर, वैसा ही हो रहा है, झाड़ दिया था, टूट के बन रहा है ये। मतलब कुल मिला के क्षेत्रवासियों को दिक्कतें दूर हो जाएंगी बहुत हद तक, और ये यहाँ से नहीं है, ये वो जो है चाले चौराहे पे जो टैक्सी स्टैंड है, जो नाला पार्ट रखा है वहाँ तक, जो जल भराव होता है मुख्य कारण वहाँ से चलता है, जब तक वो नहीं हटेगा उससे काम नहीं चलेगा, वहाँ से बन के आए यहाँ तक जैसा कि हो रहा है। ये गीता इंग्लिश स्कूल से लेके पूरा विक्रमण कर रखा वो खाली करें।